नमस्कार। तर्कस निःशुल्क और मुक्त शिक्षा के इस कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। और आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की दृष्टि से और PCS या अदर मुख्य परीक्षाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, आप उसे थोड़ा टेक्निकल भी मानते हैं, तो वो टॉपिक हमारा है पत्र लेखन का। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि पत्र क्या है और हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके कार्य व्यापार में ये पत्र क्यों शामिल हुआ, एक मोटा मोटी जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के भीतर बहुत सारे लोगों से जुड़ा होता है और उन लोगों के साथ अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का या अपनी परिस्थितियों का, किसी भी प्रकार के सूचना का एक दूसरे से आदान प्रदान करता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि यह आदान प्रदान कैसे हो सकता है। तो प्रारंभ में इसे मनुष्य मौखिक रूप से करता रहा होगा, लेकिन जो मौखिक रूप से सूचना हो या कोई अन्य चीज़ें हो, उनका आदान प्रदान किया जाए तो उनकी अपनी एक सीमा होती है। जैसे कि अगर आप किसी को बहुत तेज़ी से बुलाकर भी कोई सूचना दें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी दूर तक सुन सकता है, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, है ना? तो उसकी एक सीमा होगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी महत्ता भी कम होती जाएगी। तो यानी बहुत दूर की भौगोलिक दूरियों को मौखिक संदेश प्राप्त नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज कि जिस समय आपने मौखिक संदेश बोला उसी समय वह सुनाई दिया, फिर काल के प्रभाव के कारण वह ध्वनि आपकी लुप्त हो गई, तो अगले पल अगर कोई उस संदेश को सुनना चाहे तो संभव नहीं हो सकेगा। तो ये दूसरी उसकी अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ये चाहें कि हम उस ध्वनि को या जो आवाज़ कही गई, जो सूचना मौखिक दी गई, हम उसको सुरक्षित कर लें, संरक्षित कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी को आप छोड़ दीजिए, जब आपने वॉइस रिकॉर्डर का, मेमोरी चिप का और इस तरह की टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है, आप उस कालखंड में चलिए जहाँ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहाँ पर हम किसी के द्वारा कही गई मौखिक बातों को सुरक्षित नहीं रख पाते थे। तो मौखिक संदेशों की ये अपनी व्यवस्था थी। मानव की सभ्यता आगे बढ़ी, उसने लिपि और लेखन का विकास किया। जब लिपि और लेखन का विकास किया तो संदेशों का आदान प्रदान उसने मौखिक रूप में करने के बजाय लिखित रूप में करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हमारे पास ये लिपि की टेक्नोलॉजी आई और हमने संदेशों को लिखना शुरू कर दिया, तो जो मौखिक संदेशों की सीमाएं थीं वह टूट गई या कहीं और ज़्यादा विस्तृत हो गई। जैसे पहली सीमा थी भौगोलिक दूरी की, तो अब लिखित पत्र कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे, हमें डाक व्यवस्था का एक नेटवर्क तैयार करना था। दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी कि समय के साथ मौखिक संदेश नष्ट हो जाते थे, लेकिन लिखित संदेश जो किसी कागज पर या पत्र के रूप में है तो उनको आप संरक्षित कर सकते थे, सुरक्षित कर सकते थे, बाद में भी जब कभी आपको लगे तब आप उसको देख सकते थे, उसका अवलोकन कर सकते थे। काल के प्रभाव से वह नष्ट भी नहीं होते, आप आराम से एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, हजारों बार आप उसको पढ़ सकते थे, वो अनलिमिटेड था, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। एक यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात और थी कि मौखिक संदेशों की एक व्यवस्था यह भी थी कि उसमें मिलावट हो जाती थी। जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, हमने किसी के लिए मौखिक संदेश भेजा कि आप जा रहे हो, जरा मेरी तरफ से उनको ये बात कह देना। वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा, अब हुआ क्या, हो सकता है कि वह बात थोड़ी सी भूल गया हो सकता है कि उसने अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ा घटाया हो, या जिस रूप में, जिस भाव के साथ, जिस सेंस के साथ हमने अपना संदेश दिया हो वो वहाँ पर ना पहुँचा पाया हो, क्योंकि व्यवहारिक रूप में ऐसा हूबहू होना संभव नहीं है। लेकिन लिखित संदेश के साथ क्या था कि हमने किसी कागज में लिखकर उसको चिट्ठी पकड़ा दी, वो जाकर दे दिया। अगर कोई गूंगा भी व्यक्ति है
तो लिखित संदेश का तो वो आदान प्रदान कर सकता है, मौखिक का नहीं कर सकता है। तो यानी कि अब यह सीमाएं भी पूरी तरीके से समाप्त हो गई और हमारे हाथ में अपनी सूचनाओं को दूर तक प्रसारित करने के लिए, चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो अपने समाज के विभिन्न बिंदुओं तक अपनी संचार व्यवस्था को कायम करने के लिए उसने इस प्रकार के लिपि की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। तो जो पत्र का उद्गम हुआ वह संचार की इसी आवश्यकता के कारण और लिपि की इस टेक्नोलॉजी के मिल जाने के कारण संभव हुआ। अब इन पत्रों को हमने अपने जीवन में कई रूपों में प्रयोग करना शुरू किया। आप जिस पत्र को पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वह वास्तव में वही पत्र हैं जिन्हें किसी देश की सरकार, या हमारा संदर्भ भारत सरकार से हो सकता है चूंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ रहते हैं, तो यहाँ जो सरकार या सरकार के कार्यालय या सरकार के अधिकारीगण जिन पत्रों का व्यवहार करते हैं, जिन सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वे सूचनाएं लिखित रूप में वे किसी न किसी पत्र के फॉर्मेट में एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक भेजते भी हैं, प्राप्त भी करते हैं। तो जो हमारा आपका मुख्य फोकस यहाँ पर पत्र को पढ़ने का है वो वास्तव में ऐसे पत्रों का है। हम अपने जीवन में देख सकते हैं जो पत्र प्रचलित है, मोटे तौर पर हम उनके दो भाग कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला भाग तो हम मान लेते हैं कि वह पत्र हैं जिन्हें हम आप अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र का मतलब कि जिनका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, जिनकी कोई निश्चित भाषा शैली नहीं है, जिसमें कोई निश्चित प्रकार का संबोधन या कोई अन्य प्रकार की फॉर्मेलिटीज नहीं है, औपचारिकताएं नहीं है। ये पत्र वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं, मित्र में, नातेदारी में, परिवार जनों के साथ या अन्य ऐसे व्यक्तियों के साथ जो हमारे शुभचिंतक हैं, हाल समाचार के लिए, कुशल क्षेम के लिए, जो हमसे दूर रहते हैं, तो उनको हम इस प्रकार का पत्र वो प्रेषित करते थे। तो ये पत्र जो कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे कि पिता का पत्र पुत्र के नाम, भाई का भाई के नाम, मित्र को चयन होने पर बधाई दीजिए, या दूर जो माँ घर में अकेली रहती है उसका समाचार लीजिए, उसको अपने सफलता की सूचना दीजिए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो निजी या व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, वह इस अनौपचारिक पत्रों के माध्यम से चलती हैं। किसी परीक्षा में ये पत्र भी पूछे जाते हैं। दूसरा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और व्यापारिक लेन देन के संदर्भ में भी कुछ पत्रों का व्यवहार किया जाता है। तो जो छोटे व्यापार हैं, छोटे दुकानदार हैं, वह इसी निजी पत्रों के माध्यम से ही, अनौपचारिक पत्रों के माध्यम से ही वो अपना काम करते हैं। उनका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, कोई प्रारूप नहीं होता है, अपनी बात किसी कागज में लिख कर एक मर्यादा के साथ भेज देते हैं और उनका काम हो जाता है। लेकिन जो बहुत बड़ी फर्में हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वो हो सकता है कि अनौपचारिक नहीं, औपचारिक पत्र का व्यवहार करती हों। वो अपना एक फॉर्मेट पहले से तय रखती हों, क्योंकि उनका कार्य व्यापार बड़ा होता है, वो पूरे एक सिस्टम की तरह काम करती हैं, तो वह अनौपचारिक के बजाय किसी औपचारिक पत्र का भी व्यवहार कर लेती है। तो यहाँ जो औपचारिक या अनौपचारिक शब्द का मतलब है, वो वास्तव में किसी नियत प्रारूप से है, किसी नियत भाषा शैली से है, और किसी नियत रीति नीति से उसको लिखे जाने या भेजे जाने से है। तो वास्तव में जो आपको औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का अंतर समझना चाहिए वो इस आधार पर समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो औपचारिक पत्र हैं वह हमको क्या क्या पढ़ने हैं, क्या हमारे सिलेबस में है और कहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारा संदर्भ जिस औपचारिक पत्र से है वह या तो सरकार के किसी कामकाज से जुड़े हैं, या फिर सरकार के किसी कार्यालय या विभाग से जुड़े हुए हैं, और या किसी सरकारी पदाधिकारी के पद से जुड़े हुए हैं। तो जो हमको औपचारिक पत्र पढ़ना है वो वास्तव में सरकार के कार्य व्यवहार से, सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के कार्य व्यवहार से, या किसी अधिकारी द्वारा अपने पद के दायित्वों का, यानी पदीय दायित्वों का जो निर्वहन किया जाना है, उससे जुड़े हो सकते हैं। तो औपचारिक से हमारा आपका जो सेंस है, जो हमारा आपका मोटिव है, वो इन तीन बिंदुओं से है, इनको आप ध्यान में रखें। अब कौन कौन सा पत्र सरकार, उसके विभाग या उसके पदाधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, जरा उन पर भी एक नजर डाल लीजिए, और ये वही है जो आपके सिलेबस में शामिल है। पहला जो पत्र है जिसे आप सरकारी पत्र कहते हैं,
ठीक है, सरकारी मतलब सरकार द्वारा प्रयोग किया जा रहा। इसी सरकारी पत्र को एक दूसरी भाषा में हम शासकीय भी कहते हैं, शासकीय मतलब शासन द्वारा प्रयुक्त। तो आप सरकारी पत्र कहिए या शासकीय पत्र कहिए, ठीक है। इसी तरह का एक और पत्र होता है जो अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय होता है, जो यहां पर लिखा हुआ है अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय, तो आप इसको यहां देख सकते हैं। दूसरी चीज कि किसी कार्यालय द्वारा, वो दो प्रकार के अन्य पत्रों का भी व्यवहार किया जाता है, जैसे कार्यालय शब्द लिखा है तो आप इसको कार्यालय ज्ञात भी समझें और कार्यालय आदेश भी समझें, ठीक है। तो कार्यालय द्वारा प्रयुक्त कार्यालय ज्ञात या कार्यालय आदेश, तो ये दो प्रकार का पत्र प्रारूप है। इसके बाद एक पत्र ऐसा है जिसे हम आप परिपत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सर्कुलर भी कहते हैं, तो परिपत्र हो गया। और इसके बाद एक पत्र ऐसा होगा जिसे हम आप क्या कहते हैं, अनुस्मारक। तो परिपत्र और अनुस्मारक यह भी हमारे आपके सिलेबस में शामिल है। दो पत्र प्रकार और हैं, एक विज्ञप्ति है जिसको हम आप कहते हैं, इसी विज्ञप्ति को ही अधिसूचना कहा जाता है। यहां पर ध्यान रखिए कि विज्ञप्ति और अधिसूचना ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, उनके दो नाम हैं। तो आप विज्ञप्ति कहिए या अधिसूचना कहिए, अधिसूचना मतलब आधिकारिक रूप से जारी की गई सूचना, तो उसे हम अधिसूचना कह सकते हैं। तो विज्ञप्ति या अधिसूचना ये दोनों वास्तव में क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं माना जाए, दो नाम। और दूसरा जो है इसमें दो पत्र शामिल हैं जो विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी की ही परीक्षा में आते हैं, एक टिप्पणी या टिप्पण लेखन और दूसरा प्रतिवेदन। तो अब हमको आपको जो पढ़ना है वो एक एक करके, इसमें से हो सकता है कोई पत्र किसी परीक्षा में हो, कोई पत्र किसी परीक्षा में हो, तो चूंकि एक छात्र कई परीक्षाओं में शामिल होता है तो हम लोग इस पूरे टॉपिक का एक व्यवस्थित अध्ययन कर लें और फिर जिस टाइप का पत्र जहां पूछा जाएगा वो अपना अपने हिसाब से लिखते रहेंगे। तो ये इतना हमको पढ़ना है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञाप, आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, अधिसूचना, टिप्पणी और प्रतिवेदन। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में एक टॉपिक इसी पत्रों के संदर्भ में, जो वास्तव में कार्यालय में पत्रों में जो सूचनाएं होती हैं उनके अभिलेखीकरण या उनके रख रखाव के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाली एक विधा है, एक तरीका है। वो तरीका क्या है, पत्र का सारणी रूप। तो ये विशेष रूप से जो समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा होता है उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न संख्या 2 आता है वो यही सवाल आता है, पत्र का सारणी रूप। और ये 15 अंक का भी होता है, महत्वपूर्ण है। तो पत्र का सारणी रूप, इसमें आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें एक पत्र छपा हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उसका सारणी रूप तैयार करें। तो इस तरीके से हमें किसी पत्र के सारणी रूप को भी समझना होगा कि कैसे तैयार किया जाता है और काम करना होगा। अब ये सारी चीजें देखकर आपके मन में एक सवाल, जिज्ञासा बस उठ ही जाता है कि अगर सरकार को कामकाज करना है तो मौखिक और लिखित वाली बात तो समझ में आई कि मौखिक करेंगे तो क्या दिक्कत है, इसलिए लिखित करें वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर लिखित हम करें तो ऐसी क्यों जरूरत है कि हम पत्रों की इतनी श्रेणियां तय करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही तरह की हम श्रेणी बना लें, जैसे एक श्रेणी हमने ये बना ली और इसी पर हम अपना सारा कार्य व्यवहार करें तो क्या दिक्कत है, इसी पर हम आदेश भी जारी कर दें, इसी पर ज्ञाप भी कर दें, इसी पर रिमाइंडर भी भेज दें, तो समस्या क्या होगी, ठीक है। या इनका विभाजन क्यों किया गया, इतनी श्रेणियां क्यों तय की गई, ठीक है। तो अब हम इस बिंदु को समझते हैं कि क्यों सरकार के भीतर जो प्रयोग किए जाने वाले पत्र हैं, पत्र शैलियां हैं, उनका विभाजन इतनी कैटेगरी में क्यों किया गया, उसका आधार क्या है। तो उसका आधार ये 3 है जो मैंने यहां पर लिखा कि विभाजन का वो क्या आधार है हमको आपको समझना होगा। पहला आधार क्या है, पहला आधार है कार्य की विविधता या कार्य का उद्देश्य, ठीक है। तो कार्य विविधता या कार्य का उद्देश्य, जैसे एक दो पत्रों पर मोटा मोटी हम आप देखें तो विज्ञप्तियां जो होती हैं ये वास्तव में केवल सूचना प्रदान करती हैं। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो विज्ञप्तियां होंगी वह केवल सूचना प्रदान करती हैं, ठीक है। तो चूंकि यह केवल सूचना प्रदान करती हैं, अब सूचना के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई उस सूचना का पालन करे। जैसे PCS परीक्षा की विज्ञप्ति निकली कि इतने पदों की संख्या है,
आवेदन इस तारीख से लिया जाएगा, इस तारीख तक जमा किया जाएगा। तो ये विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना आ गई। लेकिन क्या यह सूचना जिसके लिए आई, सर्वसाधारण के लिए, तो उसके द्वारा इसका पालन किया जाना आवश्यक है? नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छा है। आपको मन करे फार्म भरिए, मन करे ना भरिए, ठीक है। तो विज्ञप्तियों में जो सूचना दी गई उसका पालन बाध्यकारी नहीं है। यहाँ देखिए उद्देश्य और कार्य विविधता अलग हो रही है। लेकिन जब यही चीज हम आदेश में देखते हैं तो जिसके लिए आदेश दिया जाएगा उस व्यक्ति के लिए उस आदेश का पालन बाध्यकारी होगा, और यदि वह उसका उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन भी उसका दंडनीय होगा, उसके लिए दंड निर्धारित होगा और वह दंड उस व्यक्ति पर आरोपित कर दिया जाएगा। तो अब आप देखिए कि इसका उद्देश्य या इसका कार्य कुछ और है, इसका उद्देश्य और इसका कार्य कुछ और है, एक बात। दूसरी चीज कि आप देखेंगे टिप्पणी किस विषय पर लिखी जाएगी। टिप्पणी कार्यालय में कोई लेटर किसी के द्वारा प्राप्त हो तो उस लेटर के प्राप्त होने के बाद उस पत्र की फाइलिंग करके कार्यालय द्वारा उस पत्र के निस्तारण के प्रक्रम में जो अभिलेखीय कार्यवाही की जाती है वो टिप्पणी के माध्यम से की जाती है। तो यानी कार्यालय में जब हमको कोई पत्र प्राप्त हो, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन हमको दिया, मान लीजिए RTI के तहत आपने कोई लेटर भेजा, तो हम क्या करेंगे? अगर हम कार्यालय के कर्मचारी हैं तो हम उस पत्र को लेंगे, उसकी एक फाइल बनाएंगे और उसमें फिर लिखा पढ़ी हम शुरू करेंगे कि कैसे कैसे इस पत्र का निस्तारण किया जाए और जिस काम के लिए पत्र भेजा गया है उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए। तो ये जो पूरी लिखा पढ़ी की प्रक्रिया होती है या मूलतः किस रूप में होती है, टिप्पणी के रूप में होती है। लेकिन प्रतिवेदन क्या है कि जब कोई घटना कहीं घटित हो जाए और उस घटना के लिए कोई जाँच कमेटी बना दी जाए तो वो जाँच कमेटी उस घटना का सत्यापन करेगी, उसका अवलोकन करेगी, घटना की जाँच करेगी और उसके बाद जो अपना रिपोर्ट जिसने उसका गठन किया है, अर्थात जो जांच कमेटी का नियोक्ता है, जब उसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो कैसे करेगी? प्रतिवेदन के माध्यम से करेगी। तो अब यहाँ देखिए कि टिप्पणी का क्या कार्य उद्देश्य है और प्रतिवेदन का क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है। तो अब इस आधार पर आप समझ सकते हैं, इसी तरह हर पत्र में अलग अलग चीजें हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कार्य विविधता क्या है और उद्देश्य क्या है। अब इस आधार पर एक पत्र से, एक पत्र प्रारूप से हम सारा काम निपटा नहीं सकते थे, हमें इसमें डिवीजन करना आवश्यक था। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि पद या कार्यालय, ये चीज हमें समझना जरूरी है। सरकार वो अपना जो कार्य व्यवहार करती है, क्योंकि सरकार तो एक अमूर्त इकाई है ना, वो तो हमें दिखाई नहीं देगी। अगर कोई पूछे सरकार कहाँ है तो सरकार दिखाई तो नहीं देगी, सरकार एक अमूर्त इकाई है। लेकिन सरकार का जो मूर्त पक्ष है वो वास्तव में उसके पदाधिकारियों के माध्यम से या उसके कार्यालय ऑफिस के माध्यम से ही दिखाई देता है। इसी प्रकार पद भी अमूर्त है, लेकिन पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी वो मूर्त है। तो सरकार के जो पदाधिकारी हैं या जो उसका कार्यालय है, वहां से उसका सारा कार्य व्यापार संचालित होता है। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर दो कार्यालय आपस में किसी पत्र का व्यवहार करें, अगर कार्यालय अपने कार्यालय से किसी बाहर पब्लिक के व्यक्ति को संपर्क करे, या पब्लिक का व्यक्ति कार्यालय को संपर्क करे, या पदों के मामले में, क्योंकि कई प्रकार के पद हैं, एक पद है जिसे आप कहते हैं सीनियर अधिकारी, दूसरा जूनियर अधिकारी, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पैरेलल हो, बराबर हो। तो अब हो सकता है कि जूनियर किसी सीनियर को कोई पत्र भेजे, हो सकता है सीनियर जूनियर को कोई पत्र भेजे, हो सकता है समकक्ष दो अधिकारी वो आपस में पत्र व्यवहार करें। तो अब यहां हम देख सकते हैं कि पदों के आधार पर भी कुछ पत्र ऐसे हैं जो सीनियर से जूनियर, अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ, या कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ, या समकक्ष स्तर के अधिकारियों के मध्य व्यवहार किए जाएंगे, ठीक है, या कार्यालय के भीतर या कार्यालय से बाहर दो कार्यालयों के मध्य, ऐसे भी बहुत सारे पद हैं। तो पद और कार्यालय, इस आधार पर हम आप देख सकते हैं कि पत्रों को बांटा जाना जरूरी है। जब कोई पत्र नीचे से ऊपर जाए, या ऊपर से नीचे आए, या बराबरी के स्तर पर चले, या कार्यालय से बाहर जाए, तो अलग अलग उनकी कैटेगरी बना दी जाए, जिससे हमें समझने में सुविधा होगी। तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण, पत्रों का संचालन कैसे किया जाए, उनके संचालन की क्या व्यवस्था। हमने ग्राफिक से आपको समझाने की कोशिश की है कि पत्रों के संचालन की क्या व्यवस्था। जैसे हो सकता है कोई पत्र ऐसा हो जो एक जगह से उद्गमित हो, मतलब पैदा हो, लिखा जाए वहां से, चले वो पत्र,
उसका ओरिजिन इस पार्ट जो पत्र का है वो यहां। तो मान लीजिए कोई पत्र अपने किसी ओरिजिन इस पार्ट से किसी गंतव्य तक जाता है, ये उसका गंतव्य है जहां वो पहुंचेगा, ठीक है, और ये इसके बाद समाप्त हो गया, ठीक है, वापस नहीं आएगा। तो यानी ये उद्गमित होकर केवल एक तरफ जाएगा, यानी सिंगल वे होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऐसा पत्र जो एक आयामी हो। एक आयामी का मतलब वन डायमेंशनल, एक ही आयाम की तरफ जाता हो, ठीक है। तो संचालन की रीत इस ग्राफ में कैसी हो गई, वन वे हो गई, वन डायमेंशनल हो गई। दूसरा हो सकता है कि दूसरे बिंदु तक जाए लेकिन वापस भी आने की अपेक्षा हो, अर्थात देखिए तीर का निशान शो कर रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा भी और आएगा भी, ठीक है। तो यहां संचालन कैसा हो जाएगा, टू डायमेंशनल हो जाएगा, या जिसे आप कह सकते हैं द्विआयामी हो जाएगा। तो यहां पर आप इस तथ्य को भी समझिए, कुछ पत्र ऐसे होंगे जिनके संचालन की रीति वन वे, जैसे कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, इनके संचालन की रीति कैसी होगी, वन वे होगी। लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो टू वे होंगे, टू डायमेंशनल होंगे, जैसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र टू डायमेंशनल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये द्विआयामी हो जाएंगे। इसी प्रकार कुछ पत्र ऐसे भी हो सकते हैं जो मल्टी डायमेंशनल हो, अर्थात बहुआयामी, उनका उद्गम तो एक बिंदु से होता हो लेकिन वो जाते कई बिंदुओं की तरफ हो। जैसे देखिए यहां एक ग्राफ बना हुआ है कि एक बिंदु से उद्गमित होकर और अनेक बिंदुओं तक जा रहा है, तो उद्गम बिंदु एक और गंतव्य बिंदु अनेक। तो ऐसा भी कोई पत्र हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए परिपत्र। तो अब यहां पर देखिए संचालन की रीति के आधार पर वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी। तो अब ये संचालन की रीति भी पत्रों की अलग हो गई। तो ये तीन महत्वपूर्ण ऐसे बेस हैं जिसके आधार पर पत्रों की यह श्रेणियां तय की गई हैं या विभाजित की गई हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो वास्तव में जुड़ा हुआ है पद से। मैंने कहा पद जो है वो एक अमूर्त इकाई है, आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, पद एक अमूर्त इकाई है, विजिबल नहीं है, नॉन विजिबल है। प्रधानमंत्री का जो पद है वो नॉन विजिबल है, प्रधानमंत्री के रूप में जो व्यक्ति बैठा हुआ है आप उसे देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है वो कैसा है, नॉन विजिबल है, अमूर्त है। तो एक विशेषता किसी पद की ये होती है कि वो अमूर्त होता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि पद जो है यह सदैव शासन के भीतर अस्थाई प्रकृति का होता है। कैसा होगा, स्टेबल होगा, अस्थाई होगा। जैसे जिलाधिकारी प्रयागराज, अब जिलाधिकारी प्रयागराज वो एक पद है, ये पद अमूर्त होने के साथ साथ अस्थाई भी है। जिलाधिकारी के पद पर अगर कोई काखागा बैठे हैं तो उनका तो ट्रांसफर हो सकता है लेकिन पद का ट्रांसफर नहीं हो सकता, पद वहीं रहेगा जहां आए। तो इसलिए पद जो है वो अस्थाई होगा। पद पर बैठने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्त होते रहेंगे, नए नियुक्त होते रहेंगे, ट्रांसफर होता रहेगा, वो चलता रहेगा। पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है अर्थात उसे आप क्या कह सकते हैं, आप उसे कहते हैं जो पदासीन है, पद पर आसीन है, पदासीन है। तो जो पदासीन है उसका तो ट्रांसफर होगा, उसकी मृत्यु होगी, उसका स्थानांतरण या उसका जो है रिटायरमेंट होगा, उसकी नियुक्ति होगी, लेकिन पद की नियुक्ति नहीं होगी। तो शासन एक बार पद सृजित कर देगा, फिर शासन ही एक स्थापित प्रक्रिया द्वारा उसको जब तक लैप्स नहीं करेगा तब तक वो पद बना रहेगा। तो अब यहां पर दो चीज हमें क्लियर करना है कि पद अमूर्त है और पद अस्थाई प्रकृति का है, और लेकिन ये पद अपने आप में स्वयं गतिशील नहीं होगा। प्रधानमंत्री भारत सरकार का पद निर्णय नहीं लेगा, उस पद पर जो व्यक्ति पदासीन होगा वह निर्णय लेगा। तो अब कौन सा पद किस प्रकार की अधिकारिता को धारण करेगा और किस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो किसी पद के सापेक्षिक दो बातें हो गई। पहली, उस पद की अधिकारिता हो गई, एक महत्वपूर्ण चीज, और दूसरा उस पद का दायित्व हो गया। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, भाषा को चेंज करें तो हम कह सकते हैं पद से जुड़ा हुआ अधिकार यानी पदीय अधिकार, पद से जुड़ा हुआ दायित्व यानी पदीय दायित्व।
तो किसी पद पर या जो पद पर आसीन व्यक्ति होगा वो वास्तव में इस पद की अधिकारिता को धारण करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब ज्वाइनिंग लेटर पाएंगे, मेहनत करिए, पढ़िए, सेलेक्ट होइए, जब ज्वाइनिंग लेटर पाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आप इसका धारण अधिकार प्राप्त करते हैं। तो धारण अधिकार, यह पद जिस अधिकारों को धारण करता है उसका धारण अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति को हैंडओवर हो जाएगा। तो ये जो पदीय अधिकारिता है, जब यह पदासीन व्यक्ति इस पदीय अधिकारिता को ग्रहण कर लेगा तब उसे हम क्या कह देते हैं, पदाधिकारी, यानी उस पद का अधिकारी। आप वाक्यांश के लिए एक शब्द में अंतर भी समझे रहिए, सब बहुत सूक्ष्म और भाषा पर पकड़ बनाने वाली चीजें हैं। पदाधिकारी का क्या मतलब है, पदासीन का क्या मतलब है। जो पदासीन हो कोई जरूरी नहीं हो पदाधिकारी भी हो, ठीक है, हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल ऐसी बात हो, लेकिन एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाता है लेकिन जब तक वो शपथ ग्रहण करके विधिवत उन अभिलेखों पर हस्ताक्षर ना कर दे तब तक हम नहीं मानते हैं कि वो राइट्स उसको हैंडओवर हो गए। तो राइट को भी वो प्राप्त करना एक तरीका है। दूसरा, पदीय दायित्व। तो अब हमें करना क्या है कि पद पर बैठकर पद के अधिकारों का उपयोग करके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो पद के संबंध में हमें ध्यान रखें कि पद एक अमूर्त किंतु अस्थायी इकाई है, ठीक है। पद व अधिकार और कर्तव्य दो चीजों को जोड़े हुए होता है। पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पदीय अधिकारों से, पदीय अधिकारों को धारण करके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब ये जो अधिकार और कर्तव्य किसी पद के हैं इनको कहाँ से माना जाए, कहाँ से प्राप्त किया जाए। तो अल्टीमेट भारत की डेमोक्रेसी में सारी चीजों का उद्गम कहाँ से है, लोकतंत्र से, हमारे संविधान से है। लेकिन इस लोकतंत्र और संविधान को संचालित करने के लिए अनेक प्रकार के अन्य अभिलेख, अमिटमेंट, नियम विनियम बनाए गए हैं। तो उसी में से हर पद के संदर्भ में उस पद की क्या अधिकारिता होगी, उस पद का क्या कर्तव्य होगा, इसके लिए एक नियमावली बनाई गई है, ठीक है। हर पद से जुड़ी हुई क्या बनाई गई है, एक नियमावली। और चूंकि पद वो जनता की सेवा के लिए होते हैं इसलिए पदों की जो नियमावली होती है वो क्या कहलाती है, सेवा नियमावली कहलाती है। दूसरी बात, और यह सेवा नियमावली जो होती है वह किस लिए होती है, किसी पद के सापेक्षिक होती है, पद के अकॉर्डिंग होती है, पद के रेलिवेंट होती है। तो ऐसी नियमावली को हम आप क्या कह सकते हैं, इसमें एक शब्द और जोड़ेंगे, वो शब्द होगी संगत सेवा नियमावली। तो संगत का मतलब रेलिवेंट, सेवा का मतलब सर्विस प्रोवाइडर, और नियमावली का मतलब जिसमें वह नियम और शर्तें उल्लिखित हो। ये शब्द बार बार चर्चा में आएगा कि संगत सेवा नियमावली क्या होती है, या हम लोग कभी उसका व्यवहार करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि संगत सेवा नियमावली से हमारा आशय क्या है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। अब कार्यालय, ये हम समझेंगे कि पद की स्थिति क्या है, कार्यालय की स्थिति क्या है, विभाजन का आधार क्या है और किस तरीके के पत्र हमको पढ़ने हैं तो हमको सुविधा रहेगी। दूसरी तरफ जो आपको बोर्ड पर ग्राफ दिख रहा है वहां हमने मोटे तौर पर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एक कार्यालय की संरचना वो क्या होती है और उस कार्यालय में किस प्रकार से वो पदों का एक वरीयता क्रम होता है। तो हम ध्यान रखें कि कोई भी कार्यालय में बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, वह एक निश्चित कर्तव्य और दायित्व से, अधिकार से बंधे होते हैं और फिर अपने अधिकारों के मुताबिक, अपने कर्तव्यों के मुताबिक वो अपना कार्य व्यवहार करते। तो यहां पर हम देखें कि एक पद हो गया किसी कार्यालय में, और इन पदों में आपने देखा होगा तो जैसे यहां पर सीनियर हो गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे जूनियर हो गया, ठीक है। जैसे आप चार श्रेणियों में बांटते हैं कि समूह का के पद, समूह खा के पद, समूह गा के पद और समूह घा के पद। तो आप देखते हैं कि जैसे आप पदों को चार श्रेणियों में बांटते हैं, ठीक है, सीनियर से जूनियर की तरफ, ठीक है, ये वरिष्ठ हो गया, ये कनिष्ठ हो गया। तो आप देखें कि कनिष्ठ से यानी चतुर्थ श्रेणी से आप क्या का श्रेणी तक एक बार पहुंच सकते हैं, नहीं। इनके चलने की व्यवस्था कैसी है, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये मॉडल आप देखिए। आप कल्पना करिए कि जैसे आप जमीन पर खड़े हैं और आपको छत पर पहुंचना है तो क्या एकाएक उछल कर आप छत पर पहुंच जाएंगे, नहीं, आपको सीढ़ी का प्रयोग करना होगा, उस सीढ़ी का स्टेप बना होगा।
हर स्टेप पर आप पैर रखते जाइए तो आप एक दिन स्टेप पर सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यानी कि यहां हम देख रहे हैं एक सीढ़ी की व्यवस्था चल रही है, ठीक है। तो सीढ़ी की व्यवस्था को हम आप क्या कहते हैं, सोपान कहते हैं। सीढ़ी की व्यवस्था को क्या कहते हैं, सोपान। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। किसकी सीढ़ी, पदों की सीढ़ी, तो पद सोपान हो गया। अब पदों की सीढ़ी की जो व्यवस्था हो अर्थात ये वाली व्यवस्था हो उसे हम क्या कह सकते हैं, पद सोपानिक व्यवस्था। तो यहां पर एक मात्रा बढ़ा दिया जाए, का जोड़ दिया जाए, तो यह क्या हो गया, पद सोपानिक। और चूंकि ये एक सीक्वेंस में लगे हैं इसलिए हम इनको एक क्रम भी कह सकते हैं, तो पद सोपानिक क्रम व्यवस्था। तो किसी कार्यालय में वास्तव में पद सोपानिक क्रम व्यवस्था होती है। अब यह शब्द आपको भूलना नहीं चाहिए कि पद क्या है, सोपान क्या है, और पदों का क्रम क्या है, पदों की व्यवस्था क्या है। तो पद सोपानिक क्रम व्यवस्था ये किसी कार्यालय में होती है। किसी एक कार्यालय में पद सोपानिक क्रम व्यवस्था मोटा मोटी क्या होती है, मैंने यहां पर लिखा है। किसी एक सामान्य कार्यालय की आप चर्चा कर लीजिए, जैसे आप जिसकी परीक्षा देते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, आप उसकी चर्चा कर लीजिए कि लोक सेवा आयोग की व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी। तो लोक सेवा आयोग अगर हमें कार्यालय मान लें तो उस कार्यालय में अधिकारियों की पद सोपानिक व्यवस्था या क्रम व्यवस्था क्या होगी। सबसे जो छोटा अधिकारी होता है वो समीक्षा अधिकारी होता है जिसका एग्जाम आपको देना है। तो ये समीक्षा अधिकारी होता है जिसे आप आरओ कहते हैं, रिव्यू ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। आरओ से छोटे भी वहां पर लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं एआरओ, जिनको हम आप कहते हैं कंप्यूटर सहायक, जिनको हम आप कहते हैं कंप्यूटर सहायक, और इसके बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो वहां पर होते हैं जिनको अनुसेवक भी कहा जाता है। ये एक प्रकार के आप कह सकते हैं वहां पर जो कार्यालय के छोटे छोटे काम होते हैं उनको करने के लिए एज ए चपरासी होते हैं जिनको हम अनुसेवक कहते हैं। तो ये जो है एआरओ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, कंप्यूटर सहायक, अनुसेवक, ये भी वहां होते हैं, लेकिन इनको लिखा पढ़ी का अधिकार नहीं होता है। जो कार्यालय में फाइल चलने की व्यवस्था होती है उस फाइल पर जो सबसे छोटा अधिकारी विचार करता है वो कौन होता है, आरओ या समीक्षा अधिकारी होता है। इसीलिए हमने फाइलिंग की प्रक्रिया के अनुसार ही आपको कार्यालय की संरचना समझाने की कोशिश की। तो समीक्षा अधिकारी जैसे ही कोई आवेदन आएगा, कोई पत्र आएगा, मान लीजिए कि आपने आरटीआई से कोई लेटर भेजा या आपने किसी प्रकार का अपने चयन के संबंध में कोई लेटर भेजा, तो वो लेटर अंततः कहाँ जाएगा आप कल्पना करिए। तो वो लेटर सबसे पहले कार्यालय पहुंचेगा, कार्यालय में उसको टेकअप करेगा ये जो होगा अनुभाग अधिकारी। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए प्रासंगिक रूप से, तब इस पर चले। जैसे मान लीजिए कि ये कार्यालय है और इस कार्यालय को कार्य की सुविधा की दृष्टि से हम कई खंडों में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये कार्यालय हो गया, इस कार्यालय में ये सेंटर हो गया जहां पर इसका जो केंद्रीय अधिकारी होगा वो बैठेगा, और फिर सुविधा के लिए हम इसको कई उपखंडों में विभाजित कर देते हैं। तो इसका जो एक उपखंड होगा, जैसे सपोज दैट हम इसकी कल्पना कर लें कि इसका जो ये एक उपखंड, ये वाला हमने यहां से निकाल लिया, ये उपखंड इसका क्या कहलाएगा, सेक्शन। क्या कहलाएगा, सेक्शन या अनुभाग, ठीक है। तो यहां पर हम देखें कि इसी को हम कहते हैं अनुभाग या सेक्शन। ये जो अनुभाग अधिकारी होता है ये सेक्शन का प्रभारी होता है, काम के लिए अलग अलग सेक्शन बांट दिया जाता है, ये सेक्शन ये काम करेगा, ये सेक्शन अमुक काम करेगा। तो कार्य को व्यवस्थित करने के लिए हम कार्यालय में सेक्शन का डिवीजन कर देते हैं और हर सेक्शन का एक प्रभारी बना देते हैं जिसे हम कहते हैं अनुभाग अधिकारी। ये सीधी भर्ती का पद नहीं होता है, समीक्षा अधिकारी ही प्रमोट होकर वो अनुभाग अधिकारी के पद पर पहुंचते हैं। तो एक कार्यालय में समीक्षा अधिकारी और उस कार्यालय का प्रभारी, उस सेक्शन का प्रभारी, उस सेक्शन का प्रभारी अनुभाग अधिकारी होता है। तो जब कोई पत्र आएगा, मान लीजिए कि आपने सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से कोई पत्र लिखा, तो वो यहां केंद्र में सचिव महोदय को पहुंचा और सचिव महोदय उसको फॉरवर्ड कहां कर देंगे, सेक्शन को कर देंगे, यहां कर देंगे। अब सेक्शन पर जब वो पहुंचेगा, यानी जैसे आपने सचिव को कोई लेटर भेजा, तो सचिव महोदय इस लेटर को कहां फॉरवर्ड कर देंगे, सेक्शन में कर देंगे, क्योंकि वहीं से प्रक्रिया नीचे से स्टार्ट होगी। अब अनुभाग अधिकारी उसको क्या कर देगा, मार्क करके समीक्षा अधिकारी को दे देगा, आरओ को दे देगा। अब आरओ उस पर लिखा पढ़ी का काम, टिप्पणी करने का काम शुरू करेगा, यानी उस आवेदन पत्र का या फाइल का निस्तारण करना शुरू करेगा।
अब ये निस्तारण करेगा तो फिर उसी क्रम व्यवस्था के अनुसार हम अपना काम करेंगे। जो हमने पद सोपानिक व्यवस्था आपको समझाई वहीं से काम करेंगे। ये फाइल यहां से अनुभाग अधिकारी के पास जाएगी, अनुभाग अधिकारी से इनके पास, फिर इस तरीके से आप देखिए ये फाइल के आपके चलने की दिशा हो, ठीक है। और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो ये मंत्रीगण तक जाएगी और वहां से राष्ट्रपति या राज्यपाल को जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई गस्टेड अफसर है और उस गस्टेड अफसर की नियुक्ति किसने की है, राज्यपाल ने की है, और मान लीजिए उसका चयन लोक सेवा आयोग ने किया है, बाद में उसके चयन में कोई गड़बड़ी मिलती है, कोई शिकायत आती है, तो उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी। आपने वो लेटर चाहे राष्ट्रपति को भेज दिया हो चाहे राज्यपाल को भेज दिया, वो आपका शिकायती पत्र कहाँ पहुँचेगा, वो सचिव साहब के पास पहुँचेगा और सचिव साहब उसको भेजेंगे सेक्शन में, और सेक्शन से फिर एक रिव्यू ऑफिसर उसकी कार्यवाही शुरू करेगा। अब कार्यवाही के बाद वो फाइल कैसे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप ये इस तरीके से वो फाइल चलना शुरू होगी और अंततः वह फिर राज्यपाल तक पहुंचेगी या राष्ट्रपति तक पहुंचेगी और वहां से निर्णय होगा। अगर कभी किसी फाइल पर आपत्ति होती है, जैसे मान लीजिए वो फाइल सचिव साहब के पास गई और उस पर कोई आपत्ति आ गई, तो इस आपत्ति के आधार पर वो फाइल फिर नीचे आएगी, फिर आपत्ति का निस्तारण होगा और फिर फाइल इसी क्रम से ऊपर जाएगी। यहां पर एक चीज और देखिए, जब आप प्रशासन में काम करेंगे तो आपको दायित्व तो मिलेगा, लेकिन आपका दायित्व सही तरीके से पूरा हो रहा है इसका भी निर्धारण किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो थाना स्तर पर इकाई बनी हुई है वो कामकाज करती है, लेकिन थाना के ऊपर जैसे सीओ का पद है, पुलिस कप्तान का पद है, तो ये लोग कार्यकारी से ज्यादा मॉनिटरी बॉडी होते हैं। ये क्या करते हैं, उसका पर्यवेक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, निगरानी करते हैं, निर्देशन करते हैं, ताकि जो कार्यकारी इकाइयां हैं वो सही ढंग से अपना काम करें। तो इनका काम क्या होता है, कार्यकारी इकाइयों के संचालन को बनाए रखना। तो जब आप किसी पद पर बैठेंगे तो वहां आप देखेंगे कि आपके पद का एक अधिकार तय किया जाएगा और आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आप उसका पालन करें, नहीं करेंगे तो उसका भी सुपरविजन करने के लिए कोई ना कोई नियुक्त होगा। तो अगर हम किसी फाइल के संदर्भ में सही प्रक्रिया अपनाए हैं तो हम अधिकारियों की जवाबदेही का, उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण भी कर सकते हैं कि किस स्टेप पर कहां पर गलती हुई। क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप चीजें गई हैं तो मान लीजिए ये कुछ गलत करेगा आरोप, तो अनुभाग अधिकारी देखेगा जो एसओ होगा सेक्शन ऑफिसर, ये गलती करेगा तो अंडर देखेगा, अंडर सेक्रेटरी गलती करेगा तो डिप्टी देखेगा, डिप्टी सेक्रेटरी गलती करेगा तो विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, सचिव, मंत्रीगण, राष्ट्रपति या राज्यपाल होंगे। तो ये एक स्टेप होता है। आप देखें सबसे नीचे समीक्षा अधिकारी, उसके ऊपर अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर, इसके ऊपर अंडर सेक्रेटरी अनुसचिव, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी जिसे उप सचिव आप कहते हैं। विशेष सचिव का पद हर जगह नहीं होता है, जहां आवश्यकता है कार्य बहुत ज्यादा है वहां पर बनाए जाते हैं। इसके ऊपर संयुक्त सचिव जिसे आप कहते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, उसके ऊपर सेक्रेटरी जिसे आप कहते हैं सचिव, सेक्रेटरी के ऊपर मंत्री और मंत्री के ऊपर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कोई पद नहीं है, आप अपना संविधान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ये मंत्रियों में प्रथम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मंत्रीगण के भीतर ही उनकी चर्चा की जाएगी। एक छोटी सी चीज यहां मैं आपको और बताने चाहूंगा कि जैसे हमारे यहां दो चीजें हैं हमारे आपकी व्यवस्था में, एक है प्रशासन और दूसरा है शासन। इन दोनों के बारे में आप संक्षेप में समझ लीजिए कि शासन जो है ये वास्तव में सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है। शासन जो है ये सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है 5 साल के लिए, जैसा उनकी टाइम लिमिट हो। तो इनके निर्वाचन की प्रक्रिया वो चुनाव है और उसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये शासन का गठन जनता द्वारा, जो संप्रभुता की शक्ति को हैंडओवर किया जाता है अपने किसी प्रतिनिधि को और उन प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर शासन का निर्माण होता है। तो चूंकि ये जनता की संप्रभुता से सीधे चयनित होकर आते हैं, जनता की संप्रभुता के प्रयोग से सीधे वहां पर अथराइज होते हैं, इसलिए ज्यादा पावरफुल होते हैं और व्यवस्था में इनको ऊपर रखा जाता है। दूसरा होता है प्रशासन। प्रशासन जो है इनके बारे में
अलग प्रकार की नियमावली बनाई गई है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका चयन होता है। तो यहाँ पर आप अंतर समझिए कि चयन का क्या अंतर होता है, निर्वाचन का क्या अंतर होता है। सांसद विधायक जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, लेकिन आईएएस पीसीएस जो होंगे वो चयनित होंगे, उनका चयन किया जाए। तो चयन करने के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, वो संस्थाएं चयन करती हैं। चयन करने के बाद उनको जिस पद पर नियुक्त करना होता है उस पद से एक संगत सेवा नियमावली होती है और उसका उपयोग करके हम उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। तो यह अपेक्षाकृत अस्थाई व्यवस्था है और यह अस्थाई व्यवस्था है, ये दोनों चीजें हमें समझनी चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखें कि प्रशासन जो होता है इसका कार्य क्या है और शासन का कार्य क्या है, तो दो चीजें, जो निर्णय लेने होते हैं या निर्णय करने होते हैं, तो जो निर्णयन की प्रक्रिया है ये मोस्टली किस पर डिपेंड है, शासन पर डिपेंड है। लेकिन जो इन निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, उनको लागू करवाना, वो किसका काम है, प्रशासन का काम है। तो इस तरीके से शासन निर्णयन प्रक्रिया से जुड़ा है और या विधायन प्रक्रिया से जुड़ा है, विधि का निर्माण करेगा, और प्रशासन वो क्रियान्वयन मॉडल से जुड़ा हुआ है, वो उन निर्णयों को क्रियान्वित करेगा। तो अब ये दोनों मिलकर ही काम करेंगे। तो इस तरीके से हम देखें कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये सरकार है, अगर हम इसको मान लें कि ये सरकार है और इस सरकार का शीर्ष व्यक्ति वह राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के नीचे वो क्या होगा, इस पूरी सरकार को हम मंत्रालयों में बांट देंगे। ये देखिए यहां पर आपने क्या किया, मंत्रालय में बांट दिया। ये गृह मंत्रालय हो गया, ये वित्त मंत्रालय हो गया, ये रक्षा मंत्रालय हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको अलग अलग मंत्रालयों में बांट दिया। अब एक मंत्रालय मान लीजिए कि ये आपका वित्त मंत्रालय है, ये वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय को भी हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए कई प्रकार के विभागों में बांट देते हैं। हम इस मंत्रालय को भी क्या करेंगे, कई प्रकार के विभागों में बांट देंगे। तो ये इसका जो एक पार्ट हुआ ये क्या हो गया, विभाग हो गया। अब इस विभाग को भी हम क्या करेंगे, इस विभाग को भी हम कई अनुभागों में बांट देंगे, जिसकी चर्चा हमने यहां पर की थी अनुभाग। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को हम सेक्शन में बांट देंगे। तो गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेक्शन, इस तरीके से इनका एक डिवीजन कर दिया जाएगा और उसी के अनुसार उनके प्रभारी तय किए जाते हैं। तो इस विभाग को भी हम किस में बांट देंगे, अनुभाग में बांट देंगे। ये मोटा मोटी कार्यालय की संरचना होती है। अब यहां पर देखिए, अगर कोई इस प्रकार का मंत्रालय है तो इस मंत्रालय में दो व्यक्ति होंगे, कौन कौन, एक तो इस मंत्रालय का संबंधित मंत्री होगा और दूसरा इस मंत्रालय का सचिव होगा। ये सचिव जो होगा वो वास्तव में आईएएस होगा, शीर्ष व्यक्ति होगा, और मंत्री जो होगा ये शासन का प्रतिनिधि होगा यानी जनता का प्रतिनिधि होगा। तो ये दोनों मिलकर ही अपना काम करते हैं। तो यहां तक की व्यवस्था जो आपने देखी, ये सचिव स्तर की जो व्यवस्था आपने देखी, ये प्रशासन का पार्ट था और इसके ऊपर जो था वो शासन का पार्ट था। लेकिन कोई भी प्रक्रिया वो वास्तव में प्रशासन और शासन को मिलाकर ही चलती। तो निर्णय जो भी होंगे वो नीचे से शुरू होंगे और ऊपर तक जाकर जैसी आवश्यकता हो तब उनका फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो अब आप एक चीज ये समझ गए कि सरकार का कार्यालय क्या है, कैसा होता है, और कार्यालय का क्या कामकाज है, पद क्या है, और कार्यालय में पद की स्थिति क्या होती है, और पद सोपानिक क्रम व्यवस्था क्या होती है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पत्र क्या है, लिखित रूप में पत्र क्यों है, मौखिक सूचना और उनको लिखित रूप में पत्र में लाने में क्या सुविधा हुई, पहले क्या समस्या थी, आपने इसको भी जाना होगा। अपना सिलेबस जाना होगा कि हमें कितने प्रकार के पत्र पढ़ने हैं और इन पत्र कालम को कैसे समझना है। अब एक छोटी सी चर्चा हम आपसे और करना चाहेंगे कि इस वाले खंड से आपको कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो जरा एक नजर उस पर हम डाल लें कि इनसे हमको किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए एक बार उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हमें किसी भी पत्र से जो हमारे पढ़ने का तरीका हो उसी अनुसार हम अपना माइंड फ्रेम कर लें, उसी अनुसार हम अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें। तो कौन कौन सी चीजें इसमें हमको आपको तैयार करनी है। पहली चीज तैयार करनी है कि किसी पत्र की परिभाषा। तो अब हर पत्र के बारे में जो हम आप पढ़ते जाएंगे, हर पत्र की एक परिभाषा तय करते जाएंगे।
वो परिभाषा आपको टू द पॉइंट एक निश्चित शब्दावली में रटनी है, समझनी तो है ही है, रटनी है, ताकि आप परीक्षा में उसको एज इट इज लिख सके। तो एक चीज तय करनी है परिभाषा। दूसरा जो बिंदु होगा वो उस पत्र की विशेषता क्या है। हमको ये भी तय करना होगा कि उस पत्र के क्या करैक्टर हैं और उनके करैक्टर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसकी जो विशेषता है वह भी हमको तय करनी होगी। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल जो हमको आपको तय करना है वह किसी पत्र का महत्व क्या होता है, क्यों वह पत्र प्रचलित है, हम आप उसको भी जानेंगे। तो अब ये जो तीन पॉइंट हैं ये कभी कभी एक साथ आ जाते हैं। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछ ले कि शासकीय पत्र क्या है, उसकी विशेषता और महत्व बताइए, या शासकीय पत्र क्या होता है संक्षिप्त रूप में समझाइए। तो अगर ऐसा कोई सवाल आए कि शासकीय पत्र क्या है संक्षिप्त रूप में समझाइए, या शासकीय पत्र को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषता को बताइए, तो ऐसे किसी भी सवाल में हमें ये तीनों बातें लिखनी है। परिभाषा भी लिखनी है, विशेषता भी लिखनी है, और महत्व भी लिखना है। अब इसके बाद जो अगला सवाल हमको पूछा जाता है कि इन्हीं दो पत्रों में अंतर पूछा जाता है। तो यहां पर एक चीज हम आप और देखेंगे कि दो पत्रों का अंतर, यह भी हमको आपको लगे हाथों तैयार कर लेना है कि शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र में क्या अंतर है, या कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में क्या अंतर है। तो जो तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक हमारा आपका बनेगा वो किससे बनेगा, अंतर से बनेगा। इसके बाद हमसे किसी पत्र का उदाहरण पूछा जाता है। यहां पर ध्यान रखिए, किसी पत्र का उदाहरण हमसे पूछा जाता है कि शासकीय पत्र क्या है, सो उदाहरण समझाइए, शासकीय पत्र को उदाहरण सहित समझाइए, शासकीय पत्र क्या होता है परिभाषित कीजिए और उसका उदाहरण दीजिए। तो यहां पर एक सवाल हमारे आपके पास आएगा उदाहरण से जुड़ा हुआ। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा किसी पत्र का प्रारूप क्या होता है, वो प्रारूप आप बताइए। यहां पर ध्यान रखिए, अभी एक नया टर्म आया है कि किसी पत्र का लिखित प्रारूप, किसी पत्र का लिखित प्रारूप बनाइए। आपको दे दिया गया कार्यालय आदेश का लिखित प्रारूप बनाइए, तो चाहे कहा जाए कार्यालय आदेश का प्रारूप बनाइए और चाहे कहा जाए लिखित प्रारूप बनाइए, दोनों बातें एक ही हैं, ये तो कॉमन सेंस है। अगर आप हमसे मेंस परीक्षा में जहां आंसर राइटिंग करनी है आप कहेंगे प्रारूप बताइए, तो हम कैसे समझाएंगे, हवा में नहीं समझाएंगे, मौखिक नहीं समझाएंगे, लिखकर ही तो बताएंगे। तो जो चीज हम लिखकर बता रहे हैं वो तो स्वतः लिखित है, उसको अतिरिक्त रूप में लिखित प्रारूप कहने की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल भ्रम मत पालिए, प्रारूप या लिखित प्रारूप ये दोनों चीजें एक ही हैं। लिखित प्रारूप को उदाहरण नहीं माना जाना चाहिए, ये लिखित प्रारूप प्रारूप ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इतने टॉपिक पर हमको सवाल पूछे जाते हैं किसी एक पत्र के बारे में। जैसे हम शासकीय पत्र जब पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा भी देखें, विशेषता भी देखें, महत्व भी देखें, इसके बाद उसका उदाहरण भी देखें, प्रारूप भी देखें, और जब अर्धशासकीय अन्य पत्र पढ़ लें तो उसके साथ उसके अंतर को भी समझ लें। ये जो उदाहरण है इसमें भी दो स्थितियां हैं। जैसे कि हमको कहा गया कि आप शासकीय पत्र को उदाहरण सहित समझाइए, उसका उदाहरण दीजिए, तो हम पहले से कोई एक पत्र वो अपना तैयार रखें, होमवर्क करके समझे रहें, और जब हमसे कहा जाए तो हम उसको दे दें, ठीक है, उसी पत्र का उदाहरण लिख दें, तो ये तो हमारी पहले से तैयारी काम हो जाएगा। लेकिन अब इधर प्रश्नों का स्वरूप थोड़ा सा बदला है, अब प्रॉब्लम मेकिंग आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा कि शासकीय पत्र का उदाहरण बताइए, अब आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आपको कंटेंट दिया जाए और कंटेंट के आधार पर आप ये समझिए कि ये पत्र सरकारी है कि अर्ध सरकारी है, कि परिपत्र है, कि आदेश है, ये क्या है, ठीक है। जैसे आप दो तीन उदाहरणों के माध्यम से समझिए, किसी कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से आप एक पत्र जारी करिए जिसमें अधीनस्थ कर्मचारियों को 1 घंटे अतिरिक्त कार्यालय ड्यूटी करने के लिए आदेशित किया गया हो, मतलब ऐसा कोई। तो अब यहां कंटेंट हमने दे दिया, हम कैसे पकड़ेंगे कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से अधीनस्थ कर्मचारियों को, यानी जो कार्यालय का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो छोटे कर्मचारियों के लिए कोई लेटर लिखेगा, क्या लेटर लिखना है कि 1 घंटा वो अतिरिक्त समय दे, आदेशित कीजिए। तो अगर हमें कोई ऑर्डर देना है तो हम कैसे देंगे, जाहिर सी बात है कार्यालय आदेश के ही माध्यम से देंगे। तो कंटेंट पढ़कर
हमें ये सोचना होगा कि ये पत्र किस प्रकार के प्रारूप का हो सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा कंटेंट आ जाए कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिलाधिकारी प्रयागराज को एक पत्र लिखिए जिसमें आगामी कुंभ की व्यवस्था में कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश किया गया। अब यहां पर देखिए कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, यानी शासन है तो कोई कार्यालय है, कोई वहां पर पदाधिकारी होगा, किसको भेजना है? जिलाधिकारी इलाहाबाद को। जिलाधिकारी इलाहाबाद क्या है? एक पद है। तो शासन के एक पद से जिलाधिकारी इलाहाबाद के दूसरे पद को पत्र भेजना है, ठीक है। तो यहां पर पद से पद को पत्र आ रहा है, वो क्या होगा? शासकीय पत्र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को एक पत्र लिखिए जिसमें आगामी ओलंपिक की तैयारियों के संदर्भ में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल महोत्सव अभियान का या युवा खेलों से जुड़े इसके लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाने की लिए अनुग्रह किया गया हो, आग्रह किया गया हो, यहाँ पर ऐसा कोई सवाल आता है। तो अब सचिन तेंदुलकर भले भारत रत्न है लेकिन वो एक प्राइवेट व्यक्ति है, पब्लिक व्यक्ति है, निजी व्यक्ति है, और भेजना कहाँ से है? सरकार के यहाँ से, खेल मंत्रालय के यहाँ से। तो सरकार के यहाँ से किसी पब्लिक व्यक्ति को कॉन्टेक्ट किया जाएगा तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया जाएगा? अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से आपसे अगर हम कहें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज की ओर से सभी थाना अध्यक्षों को एक पत्र जारी करिए जिसमें उन्हें अपने थाने से अभी तक हिस्ट्री सीट के आरोप में पंजीकृत व्यक्तियों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया हो, ठीक है। यानी एसएसपी साहब की तरफ से समस्त एसएचओज को एक लेटर भेजना है जिसमें उनके थाने के जो हिस्ट्री सीटर हों उनका विवरण देना है। तो उद्गम बिंदु कहाँ है? पत्र चला कहाँ से? एक बिंदु, सिंगल पॉइंट, कौन सा? एसएसपी। पहुंचा कहाँ? कई बिंदुओं पर, ठीक है। यानी बहुत थाने होंगे तो सब थानों तक जाएगा जितने थाने वहां होंगे। तो उद्गम एक बिंदु, गंतव्य अनेक बिंदु, अर्थात एक जगह से चलकर अनेक जगह पहुंचे। कौन सा पत्र आप इसके लिए भेजते हैं? परिपत्र। तो इस तरीके से कंटेंट पढ़कर हमें यह तय करना होगा कि यह कौन सा पत्र होगा और फिर उस पत्र की भाषा शैली विशेषता महत्व और उसके आधार पर हम उस पत्र का डिजाइन तैयार करेंगे और अपने उत्तर को देंगे। अब अगली चर्चा जो हमारी आपकी होगी वो दो तीन बिंदु है। पहला कि किसी पत्र के भाग क्या होते हैं, उनको हमें आपको समझना होगा। उस पत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उसको समझना होगा और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो पत्र के संबंध में प्रयुक्त की जाती हैं वो आपकी बुक में दी भी गई हैं, पार्ट्स भी दिए गए हैं उसके, जो तो आप उस पत्र के भागों को और उसकी शब्दावलियों को एक बार पढ़ लें। हम आप उसकी एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही जितने पत्र आपने अभी बोर्ड पर देखे थे एक एक करके उनके बारे में, इस तरह से बनने वाले सभी सवालों के विषय में हम आप चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप इत्मीनान से अपनी बुक को साथ रखिए, साथ में अपना एक नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए, लेक्चर के आधार पर महत्वपूर्ण चीज़ों को कोट करते चलिए, पॉइंट आउट करते चलिए, ताकि आपको रिवीजन में फिर असुविधा ना हो। कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप उन्हीं सवालों को कमेंट बॉक्स में डालेंगे जो उस लेक्चर से जुड़े हुए हों, ठीक है। अन्य किसी बातों का सवाल पूछने का वहाँ कोई उचित नहीं है, जब उसका टॉपिक आएगा तो आप अगला सवाल पूछिएगा। अभी के लेक्चर से जो आपके सवाल हों वो आप कमेंट बॉक्स में डालें और कोशिश करें कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के प्रति गंभीर हैं ऐसे अधिक से अधिक लोगों तक आप इस कार्यक्रम की सूचना पहुँचाएं और उनको जोड़ें, ताकि सभी छात्रों के लिए एक हेल्पफुल कार्यक्रम जो एक निःशुल्क पहल के अंतर्गत उनके शैक्षिक उन्नयन और दक्षता संवर्धन के लिए चलाई जा रही है उससे उनको लाभान्वित किया जा सके। तो मिलते हैं अगली चर्चा में, धन्यवाद।